हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेम द स्पेक्टाकल बीस्ट 25। तो गाइस, अभी आप लोगों को हैरानी हो रही होगी कि मैं ईयरफोन्स पहन के वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो इसकी एकदम सिंपल रीज़न है, बाहर बहुत ही कंस्ट्रक्शन चल रही है और उसके लिए जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो, तो इसलिए मैं ईयरफोन्स पहन के वीडियो बना रहा हूँ। सो बेसिकली वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ मेरी क्लास 12th की बिगिनिंग के बारे में। अब ये एक कॉमन टॉपिक है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, क्लास 12th तो ऐसे ही नॉर्मल क्लासों की तरह शुरू हो जाती है। लेकिन नहीं, मेरी जो क्लास 12th की बिगिनिंग है वो मुझे कुछ नई चीज़ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी क्लास 12th में प्रमोट हुए हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है और जो लोग अभी माध्यमिक एग्जामिनेशन देने के बाद क्लास 11th में प्रमोट होंगे उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी थोड़ी सी छोटी छोटी कहानी और छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, आपकी बहुत काम आएगी। सो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईयरफोन्स पहन के और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो ईयरफोन्स पहन लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी हिंदी भाषा में गालियाँ बकने वाला हूँ, कहीं आपके माँ बाप ना सुन लेगी तो मुझे क्या समझेंगी बताइए। और ये गालियाँ बकने के भी कुछ कारण है, आप लोग आगे देखेंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम फुल टू शुरू करते हैं वीडियो। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्लास 11 का रिजल्ट किसी भी तरह आ गया है और हम क्लास 12 में उठ चुके हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन बात असल में ऐसा नहीं है। क्लास 11 के जैसे ही निकलती है हमें पहले अग्नि परीक्षा देनी होती है। किसके सामने? आज वाले घर की आंटी और हमारे रिलेटिव्स के सामने। जैसे ही रिजल्ट निकलती है पास वाली घर की आंटी आती है और हमसे पूछती है, बेटा कितना कर लिया मैथमेटिक्स में? फिजिक्स में अच्छा रिजल्ट आया है ना? केमिस्ट्री में पास तो हो गए ना? तो तब मुझे ऐसा लगता है कि साले की गला घोट के मैं उधर ही उन्हें मार देता हूँ। सारा साल बीत जाता है, इनको हमारी कोई परी नहीं है, लेकिन जैसे ही क्लास 11 का रिजल्ट निकला आंटी आती है, आज आप कैसे हैं, आप स्वस्थ तो है ना? नहीं, आज हमें हालत पूछनी है इन लोगों की, जिन लोगों के साथ हमें पूरे साल से जिनके साथ हमारी कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है उनके साथ आज हम हालत पूछने आ रहे हैं उनकी। कैसे हैं आप? हाँ कैसे हैं आप, ये पूछने आते हैं ये लोग आंटियाँ लोग। रिलेटिव्स लोगों का भी फंडा एकदम सेम ही है, पूरे साल कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन जैसे ही रिजल्ट निकलती है फिर फ़ोन आ जाते हैं, कैसा कि आपके बेटे ने। तो मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि मेरे घर में आते हैं और ये लोग पूछते हैं कि बेटा क्लास 12 के एंड में तुम क्या सोच रहे हो, फ्यूचर के लिए कुछ सोचा है कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ कि आंटी मैं मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करूँगा और इसके बाद MBBS और BDS में एडमिशन ले लूँगा। तो वो बताती हैं कि अगर MBBS और BDS में नहीं मिला तो मैं बोला कि ठीक है, MBBS और BDS नहीं मिला तो वेटरनरी है, फिशरी है, एग्रीकल्चर है और पता नहीं क्या क्या है, एक ना एक में तो मिल ही जाएगा, पढ़ाई कर लेंगे, क्या होगा आंटी? फिर ये लोग बहुत ही आराम से बोलते हैं, जॉब तो मिल जाएगी ना? रिलेटिव्स भी काफ़ी अजीब होते हैं, हैं बहुत अजीब होते हैं ये लोग। अरे मेरी माँ को मेरी डायरिया होने पर इतना टेंशन नहीं हुआ जितना टेंशन अभी उनको मेरे फ्यूचर को लेके हो रहा है, जब से ये लोग ब्रेन वॉश करके गए हैं मेरी माँ का। मेरे को एक सिंपल बात बताओ, मेरी लाइफ है, मेरी पढ़ाई है, मेरी गांड है, मैं कैसे मारूंगा, ये मेरी मर्जी है, तुम लोग कौन होते हो यार? लड़कों की ना क्लास 12 पास करने के बाद उनकी जो एटीट्यूड है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही पीक लेवल पर पहुँच जाती है। क्यों? बंदियाँ जो पटा ली है ना इन लोगों ने। किसको बता रहा हूँ? मैं तो खुद ही सिंगल हूँ। फीलिंग जेलस। ऐसे ही आप क्लास 11 पास करके 12 में उठ जाओगे तब आपको दो टाइप्स के टीचर मिलेंगे जो आपको दो टाइप्स के भाषण देंगे और मुझे इन दोनों टाइप्स के टीचर से बहुत ही नफरत है। पहली बात, मैं किसी टीचर्स को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि समझ रहे हो ना। तो आपको ऐसे दो टाइप्स के टीचर्स ज़रूर मिल जाएंगे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले टाइप के जो टीचर्स होते हैं वो आपको थोड़े ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन लेने में थोड़ी ज़्यादा ही फोर्स करते हैं। यू नो, इस टाइप के टीचर्स ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स में होते हैं। तो ये जो टीचर्स हैं ना ये आपको कहेंगे कि तुम कर सकते हो, तुमसे होगा, तुम करोगे, तुमसे होगा, तुम ब्रिलियंट हो, ये हो, वो हो, ये सारी चीज़ें बता के आपको बहला के रखती हैं ये सारे टीचर्स, इसलिए ताकि वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो एक्वायर कर सके और इनका ये बिज़नेस ही ऐसा है, जितना सारा स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा पैसा। लेकिन वही स्टूडेंट जब थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन अपने दिमाग में सजा लेता है, जब उसे वो चीज़ नहीं मिलता है तब उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फील होता है। ये एकदम भी ठीक नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स एक जैसे हैं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो कि अभी प्रेजेंट कंडीशन को बेस्ड करके हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे मेरे एक टीचर ने मुझे कहा है कि आप क्लास 12 का रिजल्ट काफ़ी अच्छे से करो क्योंकि आप जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स का कोई भरोसा नहीं है कि आप मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करोगे और आपको चांस मिल जाएगा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में,
आप मेडिकल पढ़ पाओगे, और प्राइवेट कॉलेज में 50 और 60 लाख से पढ़ने से अच्छा है कि मैं उसी पैसों से एक अच्छी सी कोई दूसरी पढ़ाई पढ़ लूँ और उसे पढ़ने से मेरी ज़िंदगी और बेटर हो जाएगी। तो ये जो सर है, इन्होंने मेरी रियल फेस मुझे बताई। याद है आपने क्लास 10th में एक पोएम पढ़ा था, द मिरर। यू नो, एक ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू टीचर हमेशा हमारी असलियत हमारे सामने रखती है कि मैं किस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो हमें ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन लेने में मजबूर कर देते हैं, और ये चीज़ एकदम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील होती है, और यही स्ट्रेस और डिप्रेस सारी ज़िंदगी भर हमें कूट 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 कर मार देती है। सो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के टीचर्स के बारे में। सो इस टाइप के जो टीचर्स होते हैं वो आपको फ्यूचर के बारे में बता बता के आपको इतना डराएगा कि आप खुद मजबूर हो जाओगे उनके पास पढ़ने के लिए। अगेन, वो ये सारी चीज़ें करती है फॉर बिजनेस और कुछ नहीं। जैसे कि आप किसी साधु बाबा के पास चले जाओगे तो वो हाथ देख के बोलेगा कि आपका हाथ देख के तो मुझे पता चल रहा है कि आपका शनि का दशा है, मंगल का भर है आपके ऊपर, बृहस्पति का लंड है। तो ऐसी चीज़ें आपको बता के आपको डर दिखाते हैं ताकि आप उनके ऊपर विश्वास करें। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्यूचर को लेके बहुत ही डर दिखाते हैं जैसे आप क्लास 12th पे उठते हो। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस करने स्टूडेंट्स चाहिए, बस सिंपल सी बात है भाई। तो उन सारे टीचर से दूर रहो, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। अगर तुम फ्यूचर से डर डर के अभी जियोगे तो भाई अपनी प्रेजेंट लाइफ कैसे जियोगे, कैसे तुम खुश रहोगे? खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके मेडिकल में डॉक्टर बनना। हम अगर अपनी लाइफ में खुश होंगे तो सब कुछ ठीक है, हेल्दी है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं है लाइफ में, कुछ भी ठीक नहीं है। तो इन सारे टीचर से दूर रहो, ये लोग फ्यूचर के बारे में बता बता के तुम लोगों का चूतिया काट रहा है, ठीक है? दूर रहो इन लोगों से। अब हम बात करेंगे क्लास 12th में कुछ टीचर्स की फ़ीस स्ट्रक्चर की। देखो, फीस एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक आइडियल फीस हमें देते हैं कि तुम भाई इतना सा फीस हमें भर दो। जैसे कि फिजिक्स में 1500 काफ़ी कॉमन है आज के ज़माने में, बायोलॉजी में 1000, कुछ 1000 से भी ज़्यादा लेते हैं। मतलब हार्डली बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि 1500 से ज़्यादा पैसा मांगते हैं फॉर ट्यूशन। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो कि बिजनेस के नाम पे, मतलब मत ही बताओ यार। देखो, मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक ऐसे टीचर के पास पढ़ा था क्लास 11th में, जिनका इस टाइप का फीस स्ट्रक्चर था। देखो, मुझे पता है कि सब लोग यहाँ पर बिजनेस करें, लेकिन इस टाइप का बिजनेस वो भी स्टूडेंट के साथ नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर को क्या अधिकार नहीं है, वो इतने अच्छी तरीके से क्वालिटी मतलब इतनी अच्छी तरीके से एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए क्वालिटी माल तो भी तो देना पड़ेगा, क्वालिटी माल वो भी तो देना पड़ेगा। मैं मानता हूँ क्वालिटी माल क्वालिटी क्लास के लिए देना पड़ेगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रैटेजी है पहले वो तो सुन लो। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किसी भी टीचर्स का नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन मत करो। अगर तुम उनका नाम भी प्रेडिक्ट कर रहे हो मेरे बातों से तो उनका नाम कमेंट सेक्शन में मत लिखो, क्योंकि उससे मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, क्लास 11 का जैसे ही पूरा साल ख़त्म होता है, मैं आखिरी बार उनके पास फीस देने के लिए गया था, उनके असिस्टेंट के पास। तो उनके असिस्टेंट के पास मैं जैसे ही पहुंचा, मैं उनसे बोला, जी आंटी जी, आंटी जी, क्लास 12th में एडमिशन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने मुझे बताया कि क्लास 12th में एडमिशन लेने से पहले आपको 8000 रुपये पे करना पड़ेगा। एक चीज़ सोच के देखो, फॉर्म फिलअप करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो मुझे पैसा देने की बात करती। यू नो, मनी मैटर्स, उनके लिए सिर्फ पैसा ही मैटर करता है। उन्होंने पहले मेंशन किया पैसा, मनी। अब 8000 में क्या क्या चीज़ें मैं बताता हूँ। पहला है टेस्ट सीरीज, फिर कुछ यू नो फर्स्ट मंथ का फीस, इसी साल का मतलब क्लास 12th का फर्स्ट मंथ का फीस, क्लास 12th का लास्ट मंथ का फीस एक साथ। मिडल में आपको देना पड़ेगा टेस्ट सीरीज का पैसा और बाकी सारी चीज़ें, स्मार्ट क्लास ये सारी चीज़ों की पैसा एक साथ वो ले जाती है। तो अच्छा ठीक है, 8000 रुपये तो ठीक ही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं रूम से बाहर निकल रहा था, असिस्टेंट के रूम से मैं बाहर निकल रहा था, जैसे ही मैं दरवाज़ा खुला, इन्होंने मेरे को बताया कि असाइनमेंट के लिए तुम्हें और 2000 रुपये देना पड़ेगा, कि असाइनमेंट के लिए तुम्हें और 2000 रुपये देना पड़ेगा।
नहीं, मेरे को एक बात बताओ, आप लोग, मैं आपके घर में जाके, मतलब ट्यूशन टीचर के पास जाके मैं लेटरिन करूँगा उसका भी पैसा रख लो, मैं टॉयलेट करूँगा उसका भी पैसा रख लो, मैं ट्यूशन ट्यूशन टीचर के घर में बैठ के मैं जो एक एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मैं अपने अंदर घुसेड़ूंगा उसका भी पैसा ले लो तुम लोग, ले लो, क्या है, ले लो। वो उनकी स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह की है, अगर एक स्टूडेंट उनके पास एडमिशन लेती है और अगर उस स्टूडेंट को उनको पसंद नहीं है, मतलब उनका जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, अगर वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आता, अगर वो स्टूडेंट इस टीचर को छोड़ भी देता है तब भी उनका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। अब देखो कुछ टीचर्स ये सारी चीज़ें करती हैं, उसकी भी पीछे बहुत सारी रीज़न है। हम जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सर, यानी कि हमारे जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं उनका फ़ीस ढंग से नहीं भरते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, ये भी मैं भी मानता हूँ, और मैं दोनों साइड की स्टोरीज बता रहा हूँ। मैं सब खाली टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे चूतिया स्टूडेंट्स और गार्जियंस होते हैं जो कि ट्यूशन टीचर्स की फ़ीस नहीं देते हैं उनके पास पढ़ने के बावजूद भी। तो टीचर बहुत ही मेहनत करते हैं हमें पढ़ाने के लिए, ट्यूशन टीचर्स, तो उनसे ये हम पैसा मारते हैं तो ये ठीक नहीं है। लेकिन हम यह जो चीज़ें होते हैं हम उन्हीं टीचर्स के साथ करते हैं जिनकी फ़ीस ऑलरेडी काफ़ी कम है, लेकिन जिन टीचर्स का फ़ीस सबसे ज़्यादा है इन लोगों को ऐसे ही करना चाहिए, क्लास 12 में पढ़ने के बाद में छोड़ दो। ये लोग बिजनेस के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पर। माना कि ठीक है, बट फिर भी यार आप सोचो, अगर एक गरीब घर का स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ना भी चाहेगा तो पढ़ नहीं सकता, वहाँ पर पढ़ नहीं सकता, क्योंकि शायद उनकी एडमिशन फ़ी उसका बाप का एक महीने का इनकम होता है ऐसा कभी कभार। टीचर्स लोग बहुत बोलते हैं कि गरीब घर के स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनको पढ़ाता हूँ फ्री में घंटा। कोई भी गरीब घर का लड़का इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो जाके बोले कि मैं गरीब हूँ सर, मुझे फ्री में पढ़ा लो, कोई भी नहीं कहेगा। और ये बात सच है, मानो या ना मानो, ये बात सच है। पता है कि मैं जब अपने केमिस्ट्री सर के घर से लौट रहा था तब मैंने ऑटो लिया था, और उसी ऑटो वाले मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनका बेटा क्लास 7 पे, वो ऑटो वाले मुझे पूछ रहा था कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, तो मैंने कहा कि अभी मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। तो इन्होंने कहा कि आप जो टीचर्स के पास पढ़ते हो उनकी फ़ीस कैसी है, तो मैंने कहा कि 1,500 है, 1,000 है, 1,000 के नीचे तो टीचर्स मानते ही नहीं है आजकल। तो वो ऑटो वाले ने कहा कि तुम्हारे डैड क्या करते हैं, तो मैंने कहा कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में एक PGT टीचर है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ क्या करती है, तो मैंने कहा कि वो PWD डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। तब उन्होंने आवाज़ नीची करके मुझे बताया कि बेटा एक पुराना मानो तो एक बात बोलूँ, आज तुम्हारी माँ बाप नौकरी करती है इसलिए तुम्हारे शरीर में ये चीज़ फील नहीं होती। आज मैं ऑटो वाला हूँ, आज मुझे टेंशन लेना पड़ रहा है कि मैं कैसे संभालूंगा वो फीस। सोचो तब मुझे कैसा फील हो रहा था उस ऑटो वाले के लिए, मैं कुछ बता नहीं सकता। अब बात करते हैं रियलिटी ऑफ आकाश और एलन। मैं इतना बताना चाहता हूँ, नहीं, मैं कोटा के बारे में बात कर रहा हूँ ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कोटा चले जाते हैं, कोटा 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 कोटा, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कोटा में चले जाते हैं, और कोटा में दो ही इंस्टीट्यूट है जो राज करते हैं, आकाश और एलन। लेकिन एलन का दबदबा कोटा में बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कोटा में ही उनकी हेडक्वार्टर है। तो देखो, आकाश और एलन का अगर रियलिटी आपको जानना है तो मैं एक यूट्यूबर का नाम यहाँ पर मेंशन करूँगा। बेसिकली मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम मेंशन नहीं करता, बट मैं आपको ज़ोर से कहूँगा कि आप उसी यूट्यूबर का वीडियो देखो, हेटेड तरुण। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये कोटा वाले हमारे चूतिया काटते हैं। और एक चीज़ मैं इन आकाश और एलन के बारे में एक बता देता हूँ जो कि एकदम कॉमन सी बात है, वो ये है, ये लोग रैंक्स खरीदते हैं और रैंक्स बिकते भी हैं। सोचो एक साल एलन का रैंक नहीं आया लेकिन आकाश का आ गया, तो एलन वाले आकाश से रैंक खरीद लेते हैं, वो भी पैसों से। आज तक जितने भी स्टूडेंट्स ने नीट या फिर JEE में टॉप किया वो अपने दम पर किया है, ना कि इंस्टीट्यूट के दम पर। और ये एक सच है जो कि प्रूव भी हो जाती है। मैं तब भी हैरान हूँ कि लोग कोटा जाते क्यों। देखो आप बहुत सारे लोग मुझे ये कहेंगे कि क्या कोटा में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, फ़ायदा है। फ़ायदा क्यों नहीं है? ऑब्वियसली फ़ायदा है, कोटा में जा रहे हो, पढ़ाई हो रही है, नीट और JEE नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, 12th तो वैसे भी करनी है ना। लेकिन क्या करता है कोटा,
क्या है कोटा का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज? कोटा सबसे आइसोलेट करके रख देता है, अकेला बना देता है। भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, हाँ व्हाट्सएप में वीडियो कॉल तो चलते ही रहते, लेकिन सामने देख के, सामने से मिल के बात करना और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग्स, ये सारी चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोटा में ना तो जीतू भैया जैसे टीचर्स होते हैं और ना ही मीना जैसी कोई दोस्त। कोटा कोटा है, अपना ही एक अलग इकोसिस्टम है कोटा का, जो कि स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, और ये एक सच है, मानो या ना मानो। सो अगर मेरी इन बातों से आपके लाइफ के अंदर कोई वैल्यू क्रिएट होती है तो प्लीज़ मेरी इस काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ये बताइए, क्या मेरी इन बातों से आप अपनी लाइफ में मेरी इन बातों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या मैंने जो चीज़ें बताई है क्या ये फालतू की चीज़ें हैं? क्या इनमें से कोई भी चीज़ सच नहीं है? यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो सिर्फ हम स्कूल वालों के लिए नहीं है, ये कॉलेज पर भी बहुत अच्छी तरीके से जचता है मेरी ये बातें, क्योंकि कॉलेज में भी टीचर्स होते हैं, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर भी ट्यूशन टीचर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है, मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए है, एकदम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।